हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल फॉलो स्टडी। फ्रेंड्स, आज 13 जून रेलवे एनटीपीसी सीवीटी 2 का लेवल 2 का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है और जितने भी हमें जीके क्वेश्चन मिले हैं सभी के सभी 100% सटीक है। तो चलिए आज इन सभी क्वेश्चंस का एनालिसिस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आज पूछा गया था। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर से वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, बाबर का किस उम्र में फरगना राजगद्दी पर बैठा। देखिए, बाबर जो पूछा गया था कि बाबर किस उम्र में फरगना की राजगद्दी पर बैठा था, तो 11, 12, 9 और 10 वर्ष ऑप्शन में दिया गया था। तो 11 वर्ष यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, जो कि ऑप्शन में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, माउंट आबू किस पर्वत श्रेणी में आता है, तो अरावली ऑप्शन में दिया गया था, जो कि यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पंडित जसराज का संबंध किस घराने से है, तो मेवात, जो कि ऑप्शन में दिया गया था, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स, सभी के सभी क्वेश्चन 100% बिल्कुल सटीक है। अगर आपने एग्जाम दिया है तो आपने जरूर देखा होगा इन सभी क्वेश्चंस को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन से हटाया गया। देखिए, कई बार मैंने आपको यह करवा रखा है क्वेश्चन, 44वां संविधान संशोधन 1978, जो कि ऑप्शन में दिया गया था, ये यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, TAWNA, ये पूरा नाम पूछा गया है, ये तमिलनाडु का एक एग्रीकल्चर वुमेन का ये एक योजना है, इसका पूरा नाम पूछा गया है, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा तमिलनाडु वुमेन इन एग्रीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, राष्ट्रपति का महाभियोग किस सदन से शुरू किया जाता है। तो देखिए, राष्ट्रपति का जो महाभियोग होता है ये किसी भी सदन से स्टार्ट किया जा सकता है, हालांकि दोनों ही सदनों में पारित किया जाना जरूरी है, चाहे पहले वो राज्यसभा से शुरू हो चाहे वो पहले लोकसभा से, लेकिन दोनों सभा में पारित होना आवश्यक है। वही अगर हम बात करें उपराष्ट्रपति की, तो देखिए, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का उपसभापति होता है, तो उपराष्ट्रपति का अगर महाभियोग स्टार्ट होता है यानी शुरू होता है तो सबसे पहले राज्यसभा से स्टार्ट होगा। तो राष्ट्रपति का किसी भी सदन से और उपराष्ट्रपति का राज्यसभा सदन से शुरू होगा, ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है, बिल्कुल यही क्वेश्चन पूछा गया है, तो बिहार, जो कि ऑप्शन में दिया गया था, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए, जनसंख्या वाला राज्य पूछा गया है, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है, जो कि ऑप्शन में दिया गया था। दोनों ही क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में 13 जून को लेवल 2 वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में भाग 9 को किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया है, तो 73वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया है, जो कि ऑप्शन में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइटेंगल अवार्ड मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में किसे दिया गया है, ये पूछा गया था, तो ऑप्शन में दिया गया था SV सरस्वती, जो कि यहाँ के बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, राय लोक नृत्य का काफ़ी डिफिकल्ट यह क्वेश्चन पूछा गया है, तो राय लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो ये मध्य प्रदेश से संबंधित है, जो कि ऑप्शन में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि शॉर्टकट की से कंप्यूटर से रिलेटेड, रीडू जो होता है इसका शॉर्ट की पूछा गया था, तो Ctrl+Y होता है। वही अगर अंडू की बात करें, UNDO, अंडू की अगर हम बात करें तो Ctrl+Z होता है, तो दोनों बातें आपको याद रखनी है। यहाँ पे रीडू पूछा गया था कि रीडू का शॉर्ट की क्या होता है, तो Ctrl+Y होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालविका अग्निमित्रम ऐसा कुछ पुस्तक का नाम था, कालिदास ये संबंधित था, और पूछा गया था ये किन दो कहानियों से संबंधित है, या फिर इन पुस्तकों में किनका वर्णन है, तो दो दो नाम दिया हुआ था सभी ऑप्शन में, चार ऑप्शन में, ये सभी ऑप्शन नहीं मिल पाए हैं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, बिल्कुल सटीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के अकाउंट को कौन ऑडिट करता है, तो ये कई बार मैंने आपको करवा रखा है, जो कि कैग होता है, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जो कि ऑप्शन में दिया गया था, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि का कितना परसेंट लक्ष्य रखा गया था। देखिए, ये क्वेश्चन पूरी तरह से सटीक नहीं मिल पाया है, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया था, कुछ परसेंटेज दिए गए थे, 5%, 10%, 20% और 25% की कितना परसेंट लक्ष्य रखा गया था, तो कुछ इस प्रकार के ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैवाल भोजन के रूप में, बिल्कुल 100% सटीक है, ये पूछा गया था शैवाल भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है, कौन कौन सा शैवाल है, देखिए, इस्पा, रिलुना या फिर दोनों क्लोरेला, ये दोनों ही ऑप्शन में दिया गया था, यानी कि दो दो शैवाल का नाम एक एक ऑप्शन में दिया गया था, जो कि यहाँ पे दोनों ऑप्शन, यानी कि दूसरे ऑप्शन में ये दिया गया था, स्पाइली लुना या फिर क्लोरेला, ये दोनों शैवाल है जो कि भोजन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, ये ऑप्शन में दिया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपा अमेरिका 2021 ब्राजील को किसने हराया था, कोपा अमेरिका 2021 में ब्राजील को किसने हराया था, तो अर्जेंटीना ने हराया था, ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोरिंग प्लांट किस फैमिली से संबंधित है, ये एंजियोस्पर्म से संबंधित है, जो कि ऑप्शन में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेसर के विनर कौन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये विनर है डेनियल रिकार्डी, जो कि ऑप्शन में दिया गया था, ये यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जैव ईट किस आईआईटी द्वारा बनाया गया है, तो जैव ईट के बारे में पूछा गया है किस आईआईटी के द्वारा बनाया गया था, तो ये हैदराबाद जो कि दिया गया था ऑप्शन में, ये यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गुड़ी पड़वा पौष संक्रांति और वैसाखी, देखिए ये कुछ 9 वर्ष तक अलग अलग राज्यों के ये मैचिंग करने के लिए दिया गया था, 4 राज्य दिए हुए थे और 4 त्यौहार दिया हुआ था, जो चौथा है नहीं मिल पाया है, ये कुछ इस प्रकार से था मैचिंग करने के लिए। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का दिया हुआ था और सभी क्वेश्चंस का अभी ऑप्शन नहीं मिल पाया है क्या क्या राज्य दिए हुए थे, तो गुड़ी पड़वा दिया हुआ था, महाराष्ट्र भी दिया हुआ था, तो चारों यहाँ पे दिया हुआ था 9 वर्ष और 4 राज्य दिए थे, मैचिंग करना था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है नई औद्योगिक नीति कब आई, तो ये 1991 में आया था जो कि यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया था, तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया अशोक के अभिलेखों में किस भाषा का प्रयोग हुआ है, तो ये कई बार मैंने आपको करवा रखा है, प्राकृत भाषा का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं और 10 पुस्तकों का वर्णन है, इस पुस्तकों को क्या कहा जाता है, तो 10 मंडल कहा जाता है, कई बार मैंने आपको करवा रखा है इनडायरेक्टली, ऋग्वेद में कितने मंडल का वर्णन है, तो 10 मंडल का मैंने कई बार आपको करवा रखा है, तो ये मंडल ऑप्शन में दे रखा था जो कि यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 kg भार वर्ग में महिला वर्ग में ओलंपिक में कांस्य पदक किसने जीता, तो 69 kg भार वर्ग में महिला ओलंपिक में कांस्य पदक लवलीना बोरगोहन ने जीता, ये आपको याद रखना है जो कि ऑप्शन में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 2021 किस शहर में हुआ था, तो दिल्ली में हुआ था जो कि ऑप्शन में दिया गया था, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 37 डिग्री सेल्सियस, ये मैंने आपको कई बार करवा रखा है, ये हमारे नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कितना लिखा जाता है, कितना चेंज कर किया जाता है, तो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो कि ऑप्शन में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन सत्य शोधक समाज की स्थापना कई बार मैंने आपको ये करवा रखा है, ज्योतिबा फूले, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से किस शहर में स्टील प्लांट नहीं है, तो देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ था, बोकारो, जमशेदपुर और एक भिलाई दिया हुआ था और सूरत दिया हुआ था, तो सूरत में स्टील प्लांट नहीं है, ये यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, बिल्कुल यही क्वेश्चन पूछा गया है, तो 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया था, ये आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन और इकोनॉमी से पूछा गया था सीलिंग प्राइस से संबंधित, इसका ऑप्शन नहीं मिल पाए हैं, थोड़ा सा टफ इसका ऑप्शन था तो ये ऑप्शन नहीं मिल पाया, लेकिन बिल्कुल यही क्वेश्चन पूछा गया है सीलिंग प्राइस से संबंधित। तो फ्रेंड जितने भी हमें क्वेश्चन मिले हैं जीएस के सभी 100% सटीक है, अगर आपने एग्जाम दिया हुआ तो आपको ज़रूर मालूम होगा। बाकी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसी ऑफिशियल वीडियो का अपडेट पाने के लिए, एनालिसिस पाने के लिए और जीके जीएस का वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, हैव अ नाइस डे।